हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच खेली जाने वाली T20 सीरीज के दूसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले की, जो ये खेला जाएगा माउंट मोंगानोई के बे ओवल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 29 नवंबर को सुबह के 6:30 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली फैन कोड के ऊपर। और अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो आप मेरे को टेलीग्राम फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, वहां आपको काफी अच्छी फैंटेसी टीम मिलती है। आपको सर्च करना है द स्पोर्ट्स कॉप और मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना है। और अगर आप ग्रुप में ऑलरेडी हो तो पहले T20 में आपकी अच्छी खासी विनिंग हो गई हो तो जरूर से टेलीग्राम फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। और क्रिकेट के बारे में बाकी सारी जानकारियों के लिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, वहां आपको क्रिकेट के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको हैंडल दिख रहा होगा, यहां जाके आप मेरे को इंस्टा फॉलो करना भी बिल्कुल भी मत भूलना। अगर मैं आपसे बात करता हूं बे ओवल की पिच रिपोर्ट के बारे में, तो अब तक यहां पे कुल 6 T20 मुकाबले खेले गए हैं और 6 ओवर पहले बैटिंग करते हुए टीम को जीत मिली है। और यहां पे पहले बैटिंग करते हुए एवरेज स्कोर है 193 रन, यानी काफी अच्छा बैटर होने वाला है बे ओवल के इस ट्रैक के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं होम टीम न्यूजीलैंड के बारे में, जो कि पहला मुकाबला जीत चुका है और ये मुकाबला जीतकर वो सीरीज में नाम करने की पूरी पूरी कोशिश चाहेगा। पिछले मुकाबले में टीम के दोनों ऑलराउंडर्स ने काफी शानदार बैटिंग करी। सबसे पहले जिमी नीशम ने बहुत ही कमाल की पारी खेली। जिमी नीशम आईपीएल में कुछ खास कर नहीं पाए, पर यहां पर उनकी पारी काफी शानदार थी। उसके अलावा मिचेल सैंडर की पारी भी काफी शानदार थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने एंड में शानदार बैटिंग करते हुए टीम को जीत दिला दी। और डेब्यूटेंट डिवॉन कॉनवे ने भी काफी कमाल पारी खेली। डिवॉन कॉनवे काफी शानदार प्लेयर हैं और डोमेस्टिक में काफी शानदार खेलते हुए आ रहे हैं। बॉलिंग के अंदर लॉकी फर्ग्यूसन ने बहुत ही कमाल की बॉलिंग करते हुए 5 विकेट निकाले। लॉकी फर्ग्यूसन बहुत ही कमाल के गेंदबाज वापस इस मुकाबले के अंदर भी वो अच्छी बॉलिंग करना चाहेंगे। और कप्तान टीम साउदी ने भी अच्छी बॉलिंग करते हुए 2 विकेट लिए, उनको स्टार्टिंग में अच्छा मूवमेंट के अंदर ही मिला। तो न्यूजीलैंड के पास एक काफी शानदार टीम है। टीम उम्मीद करेगा मार्टिन गप्टिल एक बड़ी पारी खेलेंगे इस मुकाबले के अंदर। मार्टिन गप्टिल T20 के काफी कमाल के प्लेयर। उसके अलावा भी टीम साइफर्ट टीम में ग्लेन फिलिप्स टीम के अंदर होने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूं प्लेइंग 11 के बारे में, तो मेरे को लगता है ये बड़ा मैदान यहां पे लेग्स पर इस सोडी टीम में आ सकते हैं। सोडी एक नई वैरायटी मिलेगी टीम की बॉलिंग को। तो न्यूजीलैंड के लिए ओपन कर सकते हैं मार्टिन गप्टिल और टिम सिफर्ट, नंबर 3 पे डिवॉन कॉनवे, नंबर 4 पे ग्लेन फिलिप्स, नंबर 5 पे रॉस टेलर, नंबर 6 पे जिमी नीशम, फिर मिचेल सैंडनर, टिम साउदी, इस सोडी, लॉकी फर्ग्यूसन और काइल जेमिसन। तो काफी स्ट्रॉन्ग टीम है कीवी से, पर जरूर से न्यूजीलैंड की टीम ये मुकाबला जीते सीरीज जीतने की पूरी पूरी कोशिश होना चाहेगा। अब मैं आपसे बात करता हूं वेस्ट इंडीज की टीम के बारे में। तो वेस्ट इंडीज की टीम पिछला मुकाबला हार गया और दो जाएगा उनके टॉप ऑर्डर को। उनका टॉप ऑर्डर पावर प्ले को यूज नहीं कर पाया। अगर इनका टॉप ऑर्डर अच्छा खेला जरूर से ये टीम अच्छा खेल सकती है। एंड्रे फ्लेचर ने काफी शानदार पारी खेली ओपन करते हुए। काफी सालों बाद टीम में काफी अग्रेसिव लगे एंड्रे फ्लेचर। और कप्तान कायरन पोलार्ड ने बहुत ही जबरदस्त पारी खेली। पोलार्ड ने लंबे लंबे छक्के मारे वापस इस मैदान के ऊपर भी। कायरन पोलार्ड अच्छा फॉर्म कंटिन्यू करना चाहेंगे, वो आईपीएल के अंदर भी काफी शानदार खेले थे। उसके अलावा ऑलराउंडर फेबियन एलन की पारी भी काफी शानदार थी। एलन ने काफी अंडररेटेड प्लेयर है, वो काफी लंबे लंबे छक्के मारते T20 फॉर्मेट के अंदर। अगर मैं आपसे बात करता हूं बॉलिंग के बारे में, तो ओशेन थॉमस ने काफी अच्छी बॉलिंग करी। ओशेन थॉमस का फॉर्म में काफी अच्छी बात है, एक जेन्युइन फास्ट बॉलर होने वाले ओशेन थॉमस। उसके अलावा शेल्डन कॉटरेल भी काफी डिसेंट लगे, पर उसके अलावा सारी बॉलिंग फ्लॉप कर गई। उम्मीद करेगा कि कैसरिक विलियम्स अच्छी बॉलिंग करेंगे इस मुकाबले के अंदर, वो T20 स्पेशलिस्ट हैं। और बैटिंग के अंदर हेटमेयर और पुरन को अच्छा खेलना पड़ेगा, ये दोनों काफी बड़े पार्ट प्ले कर रहे हैं टीम की बैटिंग में। अगर मैं बात करता हूं टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, मेरे को लगता है कि रोमन पावल की जगह पे हेडन वॉल्श को आना चाहिए। रोमन पावल का फॉर्म कुछ खास नहीं है, पोलार्ड को ऊपर खेलना चाहिए और इससे बॉलिंग भी स्ट्रांग हो जाएगी टीम की। तो टीम के लिए ओपन करेंगे एंड्रे फ्लेचर, ब्रेंडन किंग, नंबर 3 पे शिमर हेटमायर, नंबर 4 पे निकोलस पूरन, नंबर 5 पे कायरन पोलार्ड, नंबर 6 पे फेबियन एलन, फिर कीमो पॉल, ओशेन थॉमस, कैसरिक विलियम्स, शेल्डन कॉटरेल और आखिरी महंगे हेडन वॉल्श। तो काफी स्ट्रॉन्ग टीम है वेस्ट इंडीज से, जरूर से वेस्ट इंडीज की टीम ये मुकाबला जीतने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। तो आप बताओ मुझे कमेंट करके मुकाबला कौन जीतने वाला है, वो टीम होगी न्यूजीलैंड या वो टीम होगी वेस्ट इंडीज, आप बताओ मुझे कमेंट करके। और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम आने वाली कुछ इनके ऊपर।
अगर मैं आपसे बात करूं मेरे वर्ड के बारे में, तो मेरे को लगता है इस मुकाबले के अंदर पलड़ा भारी जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के पास एक काफी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है, इस वजह से अच्छा खेलेंगे और इस सीरीज जीतेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद लाइक जरूर से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को इस तरह वीडियोस देखने के लिए। आपसे मुलाकात तो अगली वीडियो के अंदर, याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।